हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। मैं हूं रिचा। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक अपील, अपना COVID-19 से बहुत बहुत ध्यान रखिए, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए, घर में रुकिए, बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क पहनिए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड ऑफकोर्स मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि जान है तो जहान है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा टॉपिक जो सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है, डिमांडेड भी बहुत था, आपके कमेंट्स आते रहते हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ, सो मुझे आइडिया हो जाता है किस टॉपिक की अभी आपको ज्यादा जरूरत है। बहुत से और टॉपिक्स हैं जो आप डिमांड कर रहे हो, ज्योग्राफी के भी कर रहे हो, स्टैटिक के भी कर रहे हो, एवरीथिंग विल बी कवरिंग सूनर और लेटर। सो आज का जो टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी देखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी देखेंगे, और शुरू करते हैं जो भी बातचीत होगी बीच में करेंगे। नोट्स के लिए अगर मैं बोलूं, आपको नोट्स ऑलरेडी इसका जो पूरा पीडीएफ है वो वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, एक नया फोल्डर वेबसाइट पे हमने बनाया है, वेबसाइट इज parchamclasses.in, उस पर आपको स्टैटिक एंड मिसलेनियस जीके का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेने हैं, हैंड नोट्स बनाने हैं, गो अहेड। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास, बाकी बातचीत बीच में करेंगे। सो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन हमें पढ़ना है वो है सार्क। कौन सा है? सार्क। So it stands for South Asian Association of Regional Cooperation, और इसके टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं। क्या क्या बातें हमें याद रखनी है जब भी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन याद करेंगे, कौन से साल में बनी थी, उनका कोई हेड है तो कौन है, मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, रोल क्या प्ले करती है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो वो भी कवर करनी है, ठीक है। सो हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, ये सब देखने से पहले 8 मेंबर कंट्रीज याद करते हैं, फिर कहानी करेंगे आगे शुरू। तो देखो, इंडिया के आपको नेबरिंग कंट्रीज पता है, इंडिया के नेबर्स 9 नेबर्स आ देयर, है ना। अब उनमें से चाइना और म्यांमार, ये दो हटा दो। चलो जल्दी से एक बार मैपिंग दिमाग में लेकर के आओ इंडिया की। इंडिया के नेबर्स में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तो चाइना हटा दो, नेपाल, भूटान, इधर म्यांमार, म्यांमार हटा दो, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, यही है सारे। तो ये सारे नेबर्स, नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर मेंबर्स ऑफ सार्क। कौन से दो नेबर्स इंक्लूडेड नहीं है? चाइना और म्यांमार इंक्लूडेड नहीं है। तो जल्दी से 8 कंट्रीज देख लो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये सारे मेंबर्स हैं सार्क के। याद हो गई 8 मेंबर कंट्रीज, वेरी गुड। नाउ हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल के अंदर। ऑलराइट, हेड कौन है? इस्ला रुवान वीराकून से आप याद रखिएगा, वीराकून जो कि श्रीलंका को बिलोंग करते हैं, वो इसके करंट हेड हैं सार्क के, और इस्टेब्लिश हुई थी 1985 के अंदर। और मेन काम क्या करती है? साउथ एशिया में जितनी भी ये लोग हैं उनके बीच में कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोलैबोरेशन, एक्टिव कोलैबोरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंस वेरियस फील्ड्स में प्रोवाइड करना, ताकि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ के लोग हैं सेल्फ रिलायंट हो सके, ये काम करती है। ओके, अब याद करने वाली चीज़ें देख लो फटाफट से। तो याद कैसे करेंगे? दो तीन चीज़ें, नेपाल तो आई थिंक याद रह जाना चाहिए, फिर भी करवा देती हूँ। सार्क को हम शार्क से इमेजिन कर सकते हैं, शार्क सीधे करोगे तो भी अच्छा है। देखो बिल्कुल इसमें कॉन्ट्रडिक्शन में मत घुसना कि मैम टेक्निक लगाएं नहीं लगाएं, चाहिए लगाओ, नहीं चाहिए मत लगाओ, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, राइट? सो अगर आपको याद करना है सार्क का हेडक्वार्टर एंड द हेड, तो आप ऐसे कर सकते हो, शार्क होती है, शार्क अगर किसी को काट ले तो खून निकलेगा, राइट? तो शार्क काट ले तो खून निकलेगा, तो सार्क काठमांडू इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और वीराकून, खून से वीराकून इसके करंट हेड हैं, और 1985 बर्थ ईयर बताया हर बार, है ना, हर बार मुझे अपनी एज रिवील करनी पड़ती है। चलो फिर हम आ जाते हैं बिम्स्टेक, अगली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, है ना। तो थोड़ी कंट्रीज आसपास की ही होंगी, अभी देखते हैं। सबसे पहले हम मेंबर्स देखेंगे, 7 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। आप देखो 7 कंट्रीज मेंबर्स बताने के लिए, लेट मी टेक यू टू दिस मैप। पहले यहाँ पे ये कंट्रीज लिखी हुई हैं, इनिशियली 4 मेंबर्स थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, फिर बाद में 3 कंट्रीज जुड़ी, म्यांमार 97 में जुड़ा और नेपाल और भूटान 2004 में जुड़े। तो टोटल कंट्रीज कितनी हैं? 7 मेंबर कंट्रीज हैं। अब ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, तो देखो ये रहा बे ऑफ बंगाल, तो इधर से हम पकड़ना शुरू करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ जाएंगी? नेपाल, भूटान, राइट, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडिया एंड एक और जोड़ लो बस यहाँ से, थाईलैंड, थाईलैंड, राइट। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दीज आर दी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव बिम्स्टेक की पूरी कंट्रीज हो गई,
तो देखो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, श्रीलंका, ये तो सीधे सीधे समझ में आ गई। और यहाँ से थाईलैंड और हमें ऐड कर लेना है और ये सारी कंट्रीज कवर हो जाएंगी। अब देख लीजिए हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर्स आर इन बांग्लादेश। तो बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक सो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल तो बांग्लादेश, आप उसे याद रख सकते हो। हेड है तेंजिन लेपफेल, भूटान के हैं ये, तेंजिन लेपफेल 1997 में ये बनी थी, हमने कंट्रीज कर ली। और इसका काम क्या है, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन सभी ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनके बीच में लेकर के आना अलोंग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, है ना। जितनी भी ये कंट्रीज हैं बे ऑफ बंगाल की कोस्ट के आसपास, इनके बीच में कोऑपरेशन, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन लेकर के आना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, राइट। अब दो तीन चीज़ें याद कर लेते हैं फटाफट से। बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर्स हैं बांग्लादेश में, तो ये तो याद हो जाएगा। लेकफेल इसके हेड हैं, तो देखो बिम्स्टेक को हम भीम से ले सकते हैं, बिम्स्टेक भीम, भीम के सामने हर योद्धा फेल था, तो फेल लेकफेल ले सकते हो, ऑलराइट। बाकी सारी कहानी क्लियर है ही, और ये सेवन कंट्रीज हमने देख लिया। हर चीज़ किसी ट्रिक टेक्निक से करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें मैपिंग से याद हो सकती हैं, कुछ चीज़ें डायरेक्टली याद हो सकती हैं, और कुछ में आपको ट्रिक टेक्निक की ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ लगा लेंगे हम। फिर हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, विच इज़ एशियन, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ओके, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कौन कौन से नेशंस हैं पहले तो हम ये देखेंगे, 10 नेशंस हैं, 10 कंट्रीज आर देयर विच आर मेंबर्स ऑफ एशियन। कौन सी वो 10 कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया के, मैप पे देखोगे जल्दी से, ये जितने भी आपको कंट्रीज दिख रहे हैं, नॉट श्रीलंका ऑफकोर्स, ये जितने भी आपको कंट्रीज दिख रहे हैं ये सब पार्ट है एशियन के, है ना। ये जब मैंने आपको एशिया का मैप याद कराया था तब आपने याद किए थे, देखो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रूने, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये 10 कंट्रीज हैं जो कि एशियन का पार्ट है। नाउ मूविंग ओवर बैक टू यर, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, लार्जेस्ट आर्किपेलेगो जो है वो इंडोनेशिया, यानी कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स किसी कंट्री के पास है तो इंडोनेशिया के पास है, तो इंडोनेशिया में एशियन के हेडक्वार्टर्स हैं। हेड हैं लिम जॉक होय, ब्रूने के हैं ये, लिम जॉक होय। कोई आपसे पूछे आप एशियन हो, होय हम एशियन हैं, होय, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एशियन को आप एशियन से एसोसिएट कर सकते हैं, हम सब एशियन है ना, एशिया को बिलोंग करते हैं, तो आर यू एशियन, होय, सो लिम जॉक होय, ब्रूने के, एस्टैब्लिश हुआ था 1967 में, ये 10 कंट्रीज हम देख चुके हैं। रोल क्या है, अब देखो जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होंगी उनके बीच में कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करने का काम करेगा, सोशल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन, सारे एरियाज में, पॉलिटिकल, सोशल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल, ये सारे इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन इन मेंबर कंट्रीज में एस्टैब्लिश करने का काम होता है। गॉट इट। मूविंग ओवर टू नेक्स्ट, विच इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये एशियन के साथ थोड़ा एसोसिएशन में ही काम करती है, एशियन साउथ ईस्ट एशिया के हो गए और शंघाई थोड़ा आपके नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट एशिया हम बोल सकते हैं, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। इसके पहले आप मेंबर कंट्रीज देखेंगे, चलिए मेंबर कंट्रीज देखते हैं, ओहो इस मैप पे देखेंगे, ये थी हमारी एशियन, है ना, और यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे, यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे तो ये आ जाता है SCO वाला मेंबर कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, देखो सबसे ऊपर तो रशिया आ गया, इसको हटाते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम पढ़ रहे हैं अब SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कहाँ है, चाइना में है, तो चाइना तो आ गया, उसके अलावा रशिया आ गया, राइट, ये रशिया आ गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, और फिर दो मेंबर कंट्रीज हैं जो बाद में जुड़े 2017 में, लेकिन जुड़ गए, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओहो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, ये 8 मेंबर कंट्रीज, ठीक है, समझ में आ गया, लोकेशन से समझ में आ गया ना, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। रशिया, चाइना, ये तो दो बहुत बड़े प्लेयर्स हो ही गए, इसमें मेंबर्स हो ही गए, उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान जो बाद में जुड़े, फिर यहाँ पे देख लो 4 स्थान हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बस हो गया याद SCO के मेंबर्स। सो हेडक्वार्टर्स हैं बीजिंग चाइना में, नाम ही शंघाई कॉरपोरेशन है तो बीजिंग चाइना आप याद रखोगे। करंट सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमिर नोरोव जो कि उज्बेकिस्तान के हैं।
तो चाइना बहुत अजीब से अभी उसने पूरा कोविड वाला कांड किया है ना, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे तो यही है। सो चाइना के इस काम से सारे मेंबर्स रो रहे होंगे, पर नोरोव ने बोला नो रो, मैं संभालता हूँ, कुछ करता हूँ। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि चाइना शंघाई चाइना में बीजिंग चाइना के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं, लेकिन चाइना के कारनामों से रोना नहीं है, नोरोव उज़्बेकिस्तान के जो व्हाट शुड वी से, ही रिप्रेजेंट्स उज़्बेकिस्तान, ही इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश इन 2001 में बना, 8 मेंबर्स हैं, जिनमें कि इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में SCO को ज्वाइन किया है। क्या काम करेगा ये? ये एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोप और एशिया के ही इसमें मेंबर्स हैं, और पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंसेस है, और सबसे खास बात इसकी लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, किसी एक रीजन को जोड़ता हुआ, उसी के सिर्फ मेंबर्स से बना हुआ सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एरिया वाइज भी, जितने एरिया को ये कवर करता है इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स, एंड पॉपुलेशन वाइज भी, ठीक है, जितने मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं एक पर्टिकुलर रीजन के। सो लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल कवरेज एंड पॉपुलेशन, SCO। मूविंग ओवर टू ब्रिक्स। नाउ ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम, है ना, ब्रिक्स अलग अलग जो इसके मेंबर नेशंस हैं उन्हीं के फर्स्ट इनिशियल्स लेकर के बना हुआ है। सो कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा, पहले ब्रिक था, फिर एस साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स। सो ब्रिक्स वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2009, ये हम सीधे याद रख सकते हैं, बी से, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, ओके। देन चार मेंबर्स थे इनिशियली जैसा मैंने बताया, और फिर साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ गया है, एंड उसके बाद ब्रिक्स नेम हो गया। और रीसेंट जो ब्रिक्स समिट था, 12th ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज हुआ था 17 नवंबर 2020 में वर्चुअली बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक, ओके। देन मूविंग ओवर टू G7, G8, G20, व्हाट इज ऑल दिस, तो ये देख लेते हैं। G7 या G20 इज ग्रुप ऑफ 7 या ग्रुप ऑफ 20। G8 थोड़े समय इन द सेंस कुछ ईयर्स के लिए एग्जिस्टेंस में था, तो दैट वॉज ग्रुप ऑफ 8, ठीक है। तो ये समझो G7, G8, G20 इज ग्रुप, ग्रुप किन का? कंट्रीज का, ओके। नाउ सबसे पहले G7 से शुरू करते हैं। G7 इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज अब कौन से हैं? तो अब थोड़ा अगर वर्ल्ड मैप दिमाग में है, होना चाहिए, मैंने पूरा पॉलिटिकल मैप याद करवाया, अगर वर्ल्ड मैप दिमाग में है तो देखो, अमेरिका साइड में आओ, USA कनाडा, यूरोप साइड में आ जाओ थोड़ा, UK जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ओके। बस ये जो नेशंस हैं ये आ गए आपके G7 के अंदर। सो USA कनाडा, UK फ्रांस जर्मनी और इटली, और उधर चले जाओ जापान, ये हो गए आपके G7 मेंबर्स। इन में लेटर ऑन रशिया आया था, ऐड हुआ था, तब ये G8 बने थे, अभी वो बताती हूँ, अभी के लिए छोड़ दो। और इनके कोई एक पर्टिकुलर हेड नहीं होता, हर कंट्री का अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हेड जो होगा वो इसका मेंबर होता है। द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मेंबर स्टेट्स मीट इन द एनुअल G7 समिट। जैसे कि समिट्स होते हैं, हर एक देश अपना अपना हेड भेजता है, उनके हेड आते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो आकर के वो समिट अटेंड करते हैं, इसी तरह से यहाँ काम चलता है। क्या करेंगे? इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज़ को डेलिब्रेट करते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कैसे कोऑपरेट करें, कैसे सोल्यूशंस निकालें, ये सारे काम ये लोग करते हैं। 1975 के अंदर G7 में बना था, ओके। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब G7 G8 कैसे बना और वापस G7 क्यों बन गया? तो G7 1997 के अंदर रशिया इसमें ऐड हुआ था, तो G8 बन गया था, राइट। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के एक्ट को बहुत कंडेम किया गया था, कंडेम यानी कि उसकी बहुत आलोचना की गई थी, कि उन्होंने रशियन ट्रूप्स भेज दिए थे ईस्ट यूक्रेन और क्रीमिया के अंदर, और इसके चलते 2014 में इनकी मेंबरशिप रद्द कर दी गई थी G8 कंट्रीज में से, ग्रुप ऑफ G8 में से, और वापस से G8 की से लौट करके G7 पे ही ग्रुप आ गया था, ठीक है। सो 2014 में G8 अगेन G7 बन गया, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 8th मेंबर कौन सा जुड़ा था? रशिया, 1997 में जुड़ा था, 2014 में हटा दिया गया था। फिर हम आते हैं G20 पे, जिसका इंडिया भी एक पार्ट है ना, G20 नेशंस। सो G20 क्या है? देखो ये G7 थे, USA कनाडा, UK फ्रांस जर्मनी इटली जापान, उसमें रशिया जुड़ गया तो G8 बन गया था। अब G8 नहीं है, करंटली G8 नहीं है। फिर आया G20, इन्हीं G7, रशिया,
में कुछ और मेंबर नेशंस जुड़े और वो G20 का हिस्सा बने। कौन से हैं वो मेंबर्स? सो देखिए इसको, अब से मस्ती, इससे आप याद रख सकते हो, अब से मस्ती होगी G20, 20 लोग इकट्ठे हो गए कहीं पे तो बहुत मस्ती होगी ना, तो अब से मस्ती, अब में डबल ए लगा देना है, से में सी ई है, मस्ती में मस्ती, ऐसा वाला मस्ती आप कर सकते हो। सो अब से मस्ती, अब यहां पे देख लीजिए, दिस इज अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ओके, चाइना, यूरोपियन यूनियन, यहां पे मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, इंडिया, इंडोनेशिया, ये सारे नेम्स कहीं तो लिखे होंगे हमने, पिक्चर में है, ओके, पिक्चर में है, यहाँ कहीं नहीं लिखे हैं, राइट। सो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, ये हैं वो एडिशनल नेशंस जो कि जुड़े, मेंबर्स जुड़े G7 के अंदर और फिर बना G20 ऑफ विच इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट। सो अब से मस्ती से आपको ये सारे याद रह जाएंगे। और 19 तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। और प्रीमियम फोरम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, मेजरली इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एजेंडाज पे ही डील करता है। G7 भी इकोनॉमिक इश्यूज को ही हैंडल करता है, ये भी उन्हीं को करता है। और 1 दिसंबर 2021 में इटली ने प्रेसिडेंसी होल्ड की है G20 की, प्रेसिडेंसशिप जो होती है वो चेंज होती रहती है, सो अभी इट इज़ विथ इटली। नाउ मूविंग ओवर टू यूरोपियन यूनियन, अनदर एसोसिएशन, यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर्स है ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर। अच्छा, अब ये बताने से पहले इसके बारे में देख लो, 1993 में बना था, टोटल मेंबर्स आर 27, यूरोप के ही बहुत सारे कंट्रीज को मिला करके यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ कंट्रीज ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑफ वेट अ मिनट Association of various countries of Europe only, total count कितना है उनका, 27, big fumble, okay. Now, क्या काम करता है European Union? Diplomacy and promotion of human rights, trade, development, humanitarian and working with multilateral organization, वो जितने भी members हैं European Union के, उन्हीं की proper smooth functioning, उनके welfare, उनके socio-economic fronts, उनके human rights, trade, commerce, इन सबका टेक केयर करता है, कैसे कोऑपरेशन से काम हो सके। नाउ अ वेरी बिग न्यूज़ इन दिस, फर्स्ट कंट्री टू लीव यूरोपियन यूनियन कौन सी बन गई, यूके बन गई, और इसको ब्रेग्जिट नाम से प्रमोट किया गया मीडिया के अंदर। ब्रेग्जिट इज ब्रिटेन्स एग्जिट को ब्रेग्जिट कह दिया गया, ब्रिटेन एग्जिट है ना, सो ब्रेग्जिट ले लिया गया। और 31 जनवरी 2020 में यूके अलग हो गया फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। दिस यू हैव टू रिमेंबर, द फर्स्ट कंट्री टू लीव यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, अब हेड्स पे आ जाओ। इसका अगेन कोई एक सिंगल हेड नहीं है, अलग अलग हेड्स हैं। पार्लियामेंट प्रेजिडेंट अलग होंगे, काउंसिल प्रेजिडेंट अलग होंगे और कमीशन प्रेजिडेंट अलग होंगे। तो अगर हम बात करें, पहले तो हेडक्वार्टर देख लो, यू कितनी बेल बजाते हो तुम, शोर कर रखा है, इससे आप यू यूरोपियन यूनियन बेल्जियम, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर है, बेल्जियम की राजधानी इज ब्रसेल्स। पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट कौन है, सासोली, पार्लियामेंट वाले प्रेसिडेंट इज वेरी सासी, हाँ ऐसे कर सकते हैं आप, डेविड मारियो सासोली पार्लियामेंट प्रेसिडेंट है। देन करंट यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट कौन है, चार्ल्स माइकल। और कमीशन प्रेसिडेंट कौन है, उर्सुला वॉन्डर लेन। मूविंग ओवर टू कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल दोज कंट्रीज जो कि कभी किसी न किसी समय ब्रिटेन के शासन में रहे थे, ओके, अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। सो ऐसे 54 कंट्रीज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में आते हैं, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, और जो कॉमनवेल्थ गेम्स आप सुनते हो वो इन्हीं कंट्रीज के बीच में होता है। सो हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लंडन यूके के अंदर है, हेड कौन है, एलिजाबेथ टू क्वीन एलिजाबेथ
टू इज हेडिंग दिस पर्टिकुलर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, 1931 में एस्टैब्लिश हुआ था, और जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनकी वेलबींग के लिए ये बनाया गया था, जितने भी इंटरेस्ट हैं वो शेयर्ड रहे, इनकी एक कॉमन हिस्ट्री है, हालांकि इनका एक दूसरे के लिए कोई ऐसे कर्तव्य या कोई देर इज नो लीगल बाउंडिंग एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, बट देन दे हैव अ हिस्ट्री, कॉमन हिस्ट्री, उससे ये जुड़े हुए हैं, और कॉमनवेल्थ उनके सिटीजन्स एक सर्टन यू नो काइंड ऑफ क्या बोले कल्चर, सॉर्ट ऑफ कल्चर तो हम नहीं बोलेंगे, बट कोई ना कोई कॉमन थ्रेड है, और कॉमनवेल्थ गेम्स भी उनको जोड़े रखते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. देन कमिंग ओवर टू एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक आदाब, फिलीपींस में इसके हैं हेडक्वार्टर्स, आदाब से आप याद रख सकते हो, ADB आदाब फिलीपींस में हेडक्वार्टर्स हैं, प्रेजिडेंट हैं इसके मासात्सुगु असाकावा, असाकावा से आप याद रख सकते हैं मासात्सुगु असाकावा, वाइस प्रेजिडेंट इंडियन है अशोक लवासा, लवासा इज अ ब्यूटिफुल सिटी इन पुणे, सिटी तो मतलब एक पूरा टाउनशिप है, सिटी तो नहीं बोलेंगे टाउनशिप है, और उससे आप याद रख सकते हैं, इस्टेब्लिश इन 1966, 68 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, और क्या काम करेगा ये डेवलपमेंट बैंक है तो बेसिकली इकोनॉमिक फ्रंट पे काम करेगा डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, कब फंडिंग देनी है कब नहीं देनी है, दिस एंड दैट, एशिया और पैसिफिक के जितने भी कंट्रीज हैं उनकी उनकी पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए कब ग्रांट्स लोन्स कैसे दिए जाने चाहिए, सो प्रोस्पेरिटी इंक्लूसिविटी रिजिलियंस सस्टेनेबिलिटी ऑफ एशियन एंड पैसिफिक कंट्रीज के लिए काम करता है. सो आप देख लीजिए एशियन डेवलपमेंट बैंक आदाब, तो आप बोलेंगे मैम फ्लिप कैसे मार ली, नमस्ते से आदाब, सो फ्लिप से फिलीपींस आप याद रख सकते हैं, और ऐसा क्या हुआ कि नमस्ते से आदाब पे फ्लिप मार ली, ऐसा क्या हुआ से असाकावा, असाकावा ऐसा क्या हुआ कि फ्लिप मार लिया आदाब पे, हाँ, और लवासा अशोक लवासा आप याद रखेंगे बिकॉज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट. देन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. सो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करो, अधिकतर चीज़ें हमारे घर में या कहीं भी आप देखोगे चाइना मेड होती हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर्स हैं, और जो हेड हैं करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं जिन ली क्विन, एंड 2016 में बना था, 103 मेंबर कंट्रीज हैं, एंड अगेन इंप्रूविंग सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थ्रू आउट एशिया, इसके लिए ये बैंक काम करता है. सो आई होप याद हो जाएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना से ही अधिकतर आ रहा है, तो चाइना हो जाएगा, एंड जिन लिक्विन, जिन जिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप उंगली रखो वो सब चाइना से है, ऐसे आप याद रख सकते हैं. मूविंग ओवर टू न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक बेसिकली पहले इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, जो ब्रिक्स की हमने 5 कंट्री की थी वही सारी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, एंड ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्रिक्स कंट्रीज ने बनाई है, वही सारा काम करेंगे जो कि एक बैंक करते हैं, बट दिस हेडेड एंड गवर्न बाय दीज कंट्रीज, हेडक्वार्टर्स हैं शंघाई चाइना के अंदर, चाइना में अधिकतर बीजिंग था, यहाँ पे शंघाई है याद रखिएगा शंघाई, तो कुछ भी नया डेवलपमेंट होता है तो हम शंख बजाते हैं, तो उससे आप शंघाई याद रख सकते हो. मार्कोस त्रोजो इसके प्रेसिडेंट है, 2014 में बनी थी. सो अगर आप कुछ नया डेवलपमेंट नहीं करोगे तो पब्लिक आपको मारेगी, है ना, तो मार से मार्कोस आप याद रख सकते हैं, अगेन रख सकते हैं मैं बोलती हूँ, अगर आपको रखना है इस तरह से तो रखिए, वरना आप डायरेक्टली करना चाहें आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. मूविंग ओवर टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है, बेसिकली ये एक इंटरनेशनल NGO है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर काम करता है, और जितने भी बिजनेस कल्चरल या फिर पॉलिटिकल या सोशल लीडर्स हैं और उनको साथ में लाने का, किनको कहाँ सपोर्ट चाहिए, किन से कोऑपरेशन दिलवाया जा सकता है, तो बेसिकली इंटरनेशनल NGO की तरह काम करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF से आप इसको याद रख सकते हैं. सो जब भी नई नई शादी होती है किसी की, वाइफ को स्विट्जरलैंड घुमाने ले जाना चाहते हैं, है ना, सो इससे आप याद रख सकते हो. ख्वाब होता है सबका कि हम घूमने स्विट्जरलैंड जाएंगे, तो ख्वाब से श्वाब, क्लॉस मार्टिन श्वाब, सो वेफ को स्विट्जरलैंड घुमाएंगे ऐसा ख्वाब होता है, या वाइफ का ख्वाब होता होगा. सो वेफ स्विट्जरलैंड एंड श्वाब आप याद रख सकते हैं, एस्टैब्लिश हुआ था 1971 में, इट इज एन इंटरनेशनल NGO. मूविंग ओवर टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, पता होगा सबको, हम पागल हैं क्योंकि क्रिकेट के पीछे हमारा देश. सो UAE दुबई के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं, जो हेड हैं करंट वो हैं ग्रेग बार्कले, और ये न्यूजीलैंड के हैं. सो बाहर खेलें आप, अगर आपको क्रिकेट खेलना है, घर के अंदर नहीं खेलेंगे आप, बाहर खेलें. सो बार्कले, जिनको नहीं पता वो आप ऐसे याद रख सकते हो. कब बना था, अब देखो ICC जो नाम पड़ा है वो 1989 में पड़ा है, पहले ये
इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1909 में. सो व्हेन वाज इट फॉर्मड? इट वाज फॉर्मड इन 1909 बट इट वाज रीनेम्ड एज आईसीसी 1989. 104 मेंबर नेशंस है और पूरी गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट को, ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्न करती है इंटरनेशनल क्रिकेट को. देन इंटरपोल, इंटरपोल इज इंटरनेशनल पुलिस. इंटरनेशनल पुलिस जैसे हमारी पुलिस होती है, इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे जो पुलिस काम करती है वो इंटरपोल कहलाती है. इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस. लियोन फ्रांस के अंदर इनके हेडक्वार्टर्स हैं. तो देखो जो भी क्रिमिनल फरार हो जाते हैं, फरार हो गए तो फ्रांस में हेडक्वार्टर हमने बना दिया, ऐसे आप याद रख सकते हो. देन जुर्गन स्टॉक जर्मनी के हैं, वो इनके हेड हैं जुर्गन स्टॉक. तो आपको स्टॉक करना है उन क्रिमिनल्स को. ये जो मैं स्टॉक बोल रही हूँ इसकी स्पेलिंग ये होगी STALK, स्टॉक. यानी किसी को स्टॉक करना, यानी हिंदी वर्ड अगेन मैं दिमाग से निकल गया. आप मुझे स्टॉक कर रहे हो, मतलब आप मेरा, आप मुझ पर निगरानी रख रहे हो, या है ना, समझ रहे हो, आप हर एक चीज़ फॉलो कर रहे हो मेरी. सो इस स्टॉक से आप ये वाला स्टॉक याद रख सकते हो कि जब कोई भी मुजरिम, जैसे कि अब नीरव मोदी हैं या फिर विजय माल्या हैं, जो यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल कांड करके और बाहर चले जाते हैं, हमारी पुलिस के बाहर है, तो फिर इंटरपोल पिक्चर में आती है. सो हेडक्वार्टर फ्रांस, फरार हो गए तो फ्रांस, और फिर स्टॉक करती है इंटरपोल. तो स्टॉक से जुर्गन स्टॉक आप याद रखेंगे. 1923 में बनी थी. 194 मेंबर कंट्रीज इस नेटवर्क का हिस्सा है, इंडिया भी उसका पार्ट है. और वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन और क्रिमिनल कंट्रोल में हेल्प करती है. वर्ल्ड लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है. राइट, देन मूविंग ओवर टू IUCN. जब हमने नेशनल पार्क्स पढ़े थे तो उसमें IUCN का मेंशन आया था. तो ये क्या है? इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. नेचर से रिलेटेड कंजर्वेशन के लिए जो सबसे पहली और बड़े इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनी वो IUCN बनी. इसके हेडक्वार्टर हैं ग्लैंडियू स्विट्जरलैंड में. डॉक्टर ब्रूनो ओबले इसको हेड करते हैं. तो आप देख लीजिए नेचर, नेचर की अगर हम बात करें ग्रैंड लेवल पे स्विट्जरलैंड में नेचर है, और अगर उसको कुछ क्षति पहुंचे, वो खराब हो, तो हम इस सदमे से उबर नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल जगह है, अगर वही खराब हो जाए. तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हेडक्वार्टर हैं स्विट्जरलैंड में. नेचर बेस्ट स्विट्जरलैंड हर जगह वैसे, बट देन बोलने के लिए स्विट्जरलैंड को हम बोलते हैं. और इसकी क्षति अगर हुई तो हम उबर नहीं पाएंगे, तो ओबरले. सो ब्रूनो ओबले 1948 में बना था. ग्लोबल यूनियन है जो कि गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के तालमेल से काम करती है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन और साइंटिफिक टूल्स वगैरह इंकरेज करती है नेचर के कंजर्वेशन के लिए. फिर हम आते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल पे. AI एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली जितने भी हमारे ह्यूमैनिटेरियन राइट्स होते हैं उन पे ध्यान लेकर के आती है. अगर कहीं पे भी किसी भी तरह का अब्यूज़ हो रहा है, वो ह्यूमैनिटेरियन अब्यूज़ हो, सोशल अब्यूज़ हो, कुछ भी हो, तो अगर हमारे राइट्स अब्यूज़ होते हैं और इंटरनेशनल लॉज का अगर कंप्लायंस नहीं हो रहा, तो उनके खिलाफ ये चीज़ उठाती है, ये वो मुद्दे उठाती है, उनके ऊपर काम करती है. हेडक्वार्टर्स हैं लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर. 1961 में ये बनी थी. ओके, सो दिस इज इट, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. फिर हम आते हैं OECD. OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. OECD कहाँ है? पेरिस के आईफिल टावर की, कितना लंबा है ना आईफिल टावर. OECD कहाँ है? इसके ऊपर कैसे चढ़े? तो आईफिल टावर का पिक्चर ले आओ. आप बोल रहे हो OECD कहाँ है, तो OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस के अंदर. और एंजल गुड़िया, मेरी एंजल, मेरी गुड़िया, मैं तुझे आईफिल टावर पर जरूर लेके जाऊंगा. पापा अपनी बेबी से भी बोल सकते हैं, आप अपनी फ्रेंड से भी बोल सकते हैं. सो एंजल गुड़िया, उनको देखना पापा आईफिल टावर, या चलो ना आईफिल टावर. सो OECD कहाँ है, तो इन सबको आपस में जोड़ लो. एंजल गुड़िया, सो एंजल गुड़िया एंड पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर्स हैं. एंड OECD इस्टेब्लिश 1961, मेंबर 37. OECD का क्या काम है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, नाम से समझ में आ रहा है. तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में इस्टेब्लिश करने का काम करेगा, बेटर पॉलिसीज बनाने का काम करेगा. देन OPEC इज डीलिंग विद ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. जितनी भी वो कंट्रीज हैं जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एसोसिएशन है बेसिकली. और कौन इसको हेड कर रहे हैं? मोहम्मद सानसी बार्किंदो. और हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर. तो आप देखो OPEC के लिए हम पेट्रोलियम लेंगे, हिंट है ना. तो पेट्रोल हम वैन में भर भर के ले जा रहे हैं, बैरल्स जो हैं पेट्रोल के हमने वैन में डाल रखे हैं. और जो हेड हैं वो बोल रहे हैं भरो इनको पूरा, है ना, भरो, अभी खाली है. बर्किंदो, बर
और भर से आप कुछ बारकिंदो एसोसिएट कर सकते हैं, मोहम्मद सानुसी बारकिंदो, फाइन। और वैन से वियना आप ले सकते हैं, 1960 में ये बना था, 13 मेंबर कंट्रीज। समझने का कुछ नहीं है, इसलिए सिंपल बस बता रही हूँ और थोड़े बहुत हिंट्स आपको मैं दे रही हूँ, और आपको मैटर एक जगह पे कंपाइल्ड मिल रहा है। टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज, पेट्रोलियम के प्राइसेस पूरे गवर्न करना, पेट्रोलियम से रिलेटेड इकोनॉमिक्स और उनके सारे डायनेमिक्स को कोऑर्डिनेट करना, एफिशिएंट इकोनॉमिक रेगुलर सप्लाई हो पेट्रोलियम का कंज्यूमर्स तक, ये देखना, मार्केट्स को स्टेबलाइज करना, ये सारा काम ओपेक के थ्रू होता है। अब ये तो हो गई कुछ करीब 23-25 हमने ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक अभी तक की होंगी। नाउ देर आर अराउंड 40 अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई हैं। नाउ यहाँ पे मैं फटाफट आपको बता दूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक बार हमने कर रखी है, मैंने पूरा यूनाइटेड नेशंस आपको पढ़ाया हुआ है, यूएन की पूरी फंक्शनिंग समझा रखी है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, उसके अलावा मैंने सारी एजेंसीज एंड यू नो एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं यूनाइटेड नेशंस की, हमने 4-5 वीडियोज़ में पहले कवर की हुई हैं। स्टिल इफ यू वॉन्ट कि मैं इनको एक वीडियो में यू नो कंसाइज फॉर्म में, एकदम क्रिस्प फॉर्म में आपके लिए लेकर के आऊँ, तो डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि बहुत सारे बच्चे डिमांड करें तो हम इस पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना देंगे, नहीं तो मैं आपको लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन के वीडियोस देख सकते हो, उसमें सिर्फ एक जगह चेंज आया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड चेंज हो गई हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, देयर इज नो चेंज एज सच, तो आप उस वीडियो को, पुराने वीडियो को देख सकते हो। और इसका एक्सक्लूसिव एक PDF बना करके हमने वेबसाइट पर डाल दिया है ऑलरेडी, तो अगर आपको ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, अराउंड 38-40 हैं ये, तो आप वो PDF से पढ़ सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है। सो डू लेट मी नो अगर आपको चाहिए, मैम इस पर भी वीडियो बना दीजिए, आपने बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करवा दी है तो UN वाली भी वापस से करवा दीजिए एक ही वीडियो में, तो आई विल कम अप विद दैट वीडियो फॉर श्योर। और अगर आपको चाहिए कि आप पढ़ लेंगे पुराने वीडियोज से, 4-5 वीडियोज जो भी हैं उनसे, तो आप पढ़ सकते हैं, पर जो भी हो बता दीजिएगा, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UN का आप मुझे बताएंगे इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। एंड चलिए यहीं पे आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बताइए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई हेड कौन अपॉइंट हुई हैं, उनका नाम और कौन से कंट्री को वो बिलोंग करती हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे दीजिए। और आपके लिए एक और क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, UNEP का फुल फॉर्म और कौन से साल में ये फॉर्म हुआ था, यानी एस्टैब्लिश हुआ था वो ईयर, ओके, इसका फुल फॉर्म एंड द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट, और जब तक आप मुझे ये सब बताते हो तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, राइट, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, स्टडी वेल, स्टे सेफ।